ध्यान दीजिए, जैसा कि कैश बजट, कैश बजट का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड क्लास ध्यान से सुनेगा, इसमें मैं बेसिक लेके चलूंगा। जैसे किसी का फर्स्ट क्लास अगर नहीं किया हो तो भी उसको समझ में आ जाए। कैश बजट होता क्या है फिर से बता दूं। कैश बजट, बजट का मतलब अंदाजा लगाना। हम अंदाजा लगाते हैं कि जिसको मैंने माल बेचा है दैट इज कॉल्ड सेल्स। जिसको मैंने माल बेचा है वो मेरे को कब पैसा देगा, अंदाजा, अंदाजा। और अंदाजा में हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर कोई मेरे को एक महीने में पैसा दे दे या तुरंत पैसा दे दे तो हम उसको डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे। ये मन में अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कस्टमर आया आके मेरे को तुरंत दे रहे हैं तो हम उसको डिस्काउंट देंगे नहीं, मेरे मन में रखेंगे। और अगर कोई बाद में देगा तो उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हर आदमी अंदाजा लगाता है कि उसका पैसा उसको कब रियलाइज होगा। तो जैसे सेल्स का पैसा कब मिलेगा ये आप अंदाजा लगाएंगे, वैसे परचेज करेंगे, खरीदेंगे तो आप पैसा कब देंगे ये आप अंदाजा लगाएंगे, वेजेज स्टाफ लोगों को कब देंगे ये भी आपको मालूम होगा पहले से ही। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस का पेमेंट आप कैसे करते हैं, एक महीने बाद, दो महीने बाद, या उसी महीने का उसी महीने, ये सब अंदाजा लगाने को कैश बजट बोलते हैं। कैश बजट, बजट माने अंदाजा लगाना और कैश बजट माने कैश का अंदाजा लगाना कि मेरे पास कितना पैसा रहेगा, मेरे पास आज से दो महीने बाद, तीन महीने बाद, चार महीने बाद, छह महीने बाद कितना पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज का महीना कौन है, अभी महीना चल रहा है, मई चल रहा है ना, मई चल रहा है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरे पास तीन महीने बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर के शुरुआत में मेरे हाथ में कितना पैसा रहेगा। तो हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना, श्योरिटी तो है नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कोई पैसा देगा, जो पैसा देगा तो हम कहीं खर्चा भी करेंगे तो कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, उसके बाद कुछ बैलेंस बचेगा। तो हम लोग अंदाजा लगाते उसी अंदाजा लगाने को कैश बजट कहते हैं। चलिए, कैश बजट का मेरे नाम का मतलब बता दिया। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बिकॉज इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए, हमको लगता है कॉपी कर लिए होंगे आप लोग पॉज करके। अब बताता हूं, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बजट प्रिपेयर कैश बजट फॉर द क्वार्टर ऑफ द एंडिंग 30/6/2000। क्वार्टर एंडिंग, तो पहले आपको क्वार्टर एंडिंग का मतलब बता दे, व्हाट इज मीन बाय क्वार्टर एंडिंग। क्वार्टर है ना, साल में चार क्वार्टर होता है, याद रखिएगा, चार क्वार्टर होता है, याद रखिए हमेशा साल में चार क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब होता है चार भाग में डिवाइड करना। तो 12 महीने को चार भाग में डिवाइड करेंगे तो तीन महीना, मतलब साल में तीन तीन महीने का क्वार्टर होता है। क्वार्टर माने वन फोर्थ, तो 12 मंथ को वन फोर्थ करेंगे तो 3 महीने का क्वार्टर। तो 3 महीने का क्वार्टर आपको निकालना है, मतलब 3 महीने का बजट निकालना है आपको फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30/6। वो 3 महीना जो 30/6 को खत्म होगा, यानी छठे महीने में 30 महीना, 3 महीना खत्म होगा, 30/6 को छठे महीने में 3 महीना खत्म होगा। तो मैं लिखता हूं मंथ को ऐसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां मैं लिखता हूं ऐसे, छठे महीने खत्म होता है तो छठे महीने के पहला महीना 5, फिर 4, यानी हमको इस 3 महीने का कैश बजट निकालना है, क्योंकि छठे महीने के 30 तारीख को क्वार्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो अंडरस्टूड है, हमको चौथा महीना, पांचवा महीना और छठा महीना, इस 3 महीने का निकालना है। चौथा महीना कौन सा है, जनवरी से गिनिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना अप्रैल है, अप्रैल मई और जून, 3 महीने का हमको, अप्रैल मई जून, 3 महीने का हमको कैश बजट बनाना है, अप्रैल मई जून, गॉट इट। चलिए, अप्रैल मई जून का बनाना है, मैंने पहले बता दिया। ऐसे आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये तो मैंने लाइन पढ़ के समझा दिया, समझाना मेरा फर्ज था, मैंने समझा दिया, लेकिन एक ट्रिक है जिससे चालू करना है। जैसे मैंने बोला अप्रैल से बनाना है, उसका ओपनिंग बैलेंस कैश का जरूर दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले इन्फॉर्मेशन दिया, कैश ऑन हैंड 1 अप्रैल 2000, 5000 रुपया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रैल से ही चालू होगा। तो हमेशा ओपनिंग मंथ का, जिस मंथ से आपको चालू करना उस मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिस मंथ से चालू करना उसका ओपनिंग कैश हमेशा दिया रहेगा, बी केयरफुल, ओके। तो हमको अप्रैल मई जून 3 महीने का बनाना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड मिटाऊंगा और मिटा के सॉल्व करूंगा। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने।
पहले सेल्स चालू करेंगे। वर्किंग नोट वन, सेल्स से सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतना दिया हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फरवरी का सेल्स है 1,20,000, मार्च का सेल्स है 1,30,000, अप्रैल का सेल्स है 80,000, मई का सेल्स है 1,16,000, जून का सेल्स है 88,000। चलिए फरवरी में, फरवरी को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, क्यों? क्वेश्चन का एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, एडिशनल इंफॉर्मेशन टू, एडिशनल इंफॉर्मेशन टू में सेकंड इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, सेल्स का 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स, यानी सेल्स जो हुआ 1,20,000, इसका 20%, इसका 20% निकालिए, 1,20,000 का 20% निकालिए, चौबीस हजार आएगा, 24,000, और 80% ऑफ 1,20,000, 96,000। ये दो भाग में डिवाइड है, 20% उसी महीने रियलाइज हो रहा है और बैलेंस आफ्टर टू मंथ, दो महीने बाद दिया जा रहा है। याद रखिए लिखा हुआ है 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स, इन द मंथ ऑफ सेल्स डिस्काउंट अलाउड 2%। ये लाइन को पढ़ के आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भैया सेल का 20% उसी महीने रियलाइज होगा, किसी महीने, जिस महीने का सेल्स है, फरवरी का सेल्स का 20% फरवरी मिलेगा, और फरवरी में जो मेरे को 20% मिलेगा उस आदमी लोगों को हम डिस्काउंट देंगे 2%, 2% का डिस्काउंट, 2% ऑफ 24,000, यानी 24,000 माइनस 24,000 का 2%, 4,800, सॉरी 480, गॉट इट, श्योर? चलिए 24,000 का 2% निकालकर 480 अगर आप माइनस कर दें, 24,000 माइनस 480 तो आएगा 23,520 रुपए, 23,520 रुपए, गॉट इट? कितना आएगा? 23,520, 23,520, 23,520। फिर लेकिन ये डिस्काउंट है, क्या लिखा हुआ है? 20% ऑफ द सेल्स रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स, यानी ये आपको रिसीव्ड हो जाएगा, ये पैसा रिसीव्ड इन फरवरी का फरवरी में मिल जाएगा, तो जो हमको जिस महीने सेल हुआ उसी महीने देगा उसको हम 2% डिस्काउंट देंगे। इस लाइन का मतलब यही है कि 20% ऑफ सेल्स रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ द सेल्स डिस्काउंट अलाउड 2%,
यानी जो मेरे को उसी महीने का उस महीने देगा उसको हम 2% डिस्काउंट देंगे, यानी जिस महीने का सेल है उस महीने हम 20% रियलाइज कर लेंगे। अंदाजा है, श्योरिटी नहीं, अंदाजा है कि मेरे को 20% मिलेगा, तो हम उसमें से उन लोगों को 2% का डिस्काउंट देंगे। रिमेनिंग बैलेंस 20% का रिमेनिंग होता है 80%, 80% हमको 2 महीने बाद मिलेगा, रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ, यानी रिसीव्ड इन फरवरी में नहीं मिलेगा, मार्च में नहीं मिलेगा, मतलब फरवरी मार्च छोड़कर अप्रैल में मिलेगा, आफ्टर 2 मंथ रिसीव्ड इन अप्रैल। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए, डिस्काउंट हम उसी को देंगे जो उसी महीने पैसा देगा, 2 महीने बाद वालों को तो डिस्काउंट लिखा भी नहीं होगा, कॉमन सेंस होना चाहिए, यूज करिएगा दिमाग। चलिए तो भैया मार्च का 20% जो भी आएगा उसमें 2% डिस्काउंट, और 80% वालों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो 2 महीने बाद पैसा देगा। डिवाइड करिए भाई, 20% निकालिए, 130,000 का 20% 26,000, उसमें 2% डिस्काउंट, 26,000 का 2% डिस्काउंट, 2%, 26,000 में से 520 छूट, 26,000 में से 520, 26,000 माइनस 520, 25,480 रिसीव्ड इन मार्च, मार्च का मार्च में, और जो 80% है 130,000 का 80% 104,000 वो रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ, रिसीव्ड इन मार्च का, मार्च अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में मिलेगा, मई में रिसीव्ड इन मई, फिर 20% 80% 80,000 का 20% 16,000 और 80% 80,000 का 30,000 का 20% 16,000, 16,000 में 2% माइनस करना पड़ेगा, 16,000 का 2% 320, 16,000 से माइनस करो 320, 15,680 रिसीव्ड इन अप्रैल। चलिए 80% 80,000 का 80% 64,000 रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने भाई, अप्रैल और मई 2 महीने मिलेगा, अप्रैल मई 2 महीना गया, जून में मिलेगा, रिसीव्ड इन जून 20% 80% 20% ऑफ 116,000 116,000 का 20% 30,200 और 30,200 में 2% का डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, और 80% 116,000 का 80%
received after 2 months. 2 month हो गया, मतलब मई जून में नहीं मिलेगा, जुलाई में मिलेगा. जुलाई में मिलेगा. वेट 20% ऑफ 88,000 और 80% ऑफ 80% ऑफ 88,000. का 20% 17,600 माइनस 2% ऑफ 17,600 का 2% 17,600 का 2% पता है 352. 17,600 का 7248 received in June. received after 2 months. 2 महीने बाद जून और जुलाई, अगस्त में मिलेगा. जून जुलाई में नहीं मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, 2 महीने बाद. तो फरवरी का फरवरी में, 2 महीने बाद फरवरी, मार्च अप्रैल में, मार्च का मार्च में, ये था वर्किंग नोट. आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग. गॉट इट? ये वर्किंग नोट वन. वर्किंग नोट वन बनाने के बाद आपको तुरंत वर्किंग नोट टू बनाना पड़ेगा. देखिए वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू जो बनेगा है ना, वर्किंग नोट वन देख के बनेगा. वर्किंग नोट वन देख के बनेगा. मैं लिख रहा हूं क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. रिसीव फ्रॉम से कौन नाम है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर. डेटर से तो पैसा मिलता है. हमको चाहिए अप्रैल मई और जून का. मुझे खाली 3 महीने का चाहिए, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का और जून मंथ का. ऐसे तो फरवरी से लेकर जून का सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में भी और वर्किंग नोट में भी, दोनों में मेरे पास अवेलेबल है. लेकिन मेरे को मेरे कैश बजट बनाने के लिए सिर्फ 3 महीने का चाहिए. मेरे को क्वेश्चन में टीचर ने कहा है 3 महीने का बजट बनाने. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन है भगवान, मैं हूँ पुजारी और तुम हो भक्त, और चाहिए तुमको प्रसाद माने मार्क्स, प्रसाद माने मार्क्स चाहिए, तो भगवान का बात मानना पड़ेगा. क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन गिर में है, वर्किंग नोट भी इतना सारा बना लिए, खुशी का बात है, बनाना भी चाहिए, क्लियर करना चाहिए टीचर को. लेकिन जो एग्जाम में पूछा है उतना ही आप मेन फॉर्मेट में लिखेंगे, वर्किंग नोट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते रहिए. लेकिन मेन फॉर्मेट में कैश बजट में सिर्फ अप्रैल मई जून में जो पैसा मिला वही मुझे चाहिए. यानी वर्किंग नोट वन बनाने के बाद वर्किंग नोट टू में आप बताएंगे कि अप्रैल मई जून में आपको कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना पैसा रिसीव हुआ अप्रैल में, कितना रिसीव हुआ. देखते हैं अप्रैल, जहां जहां रिसीव्ड इन अप्रैल लिखा है वो को टिक करके मैं लिख रहा हूं. रिसीव्ड इन अप्रैल, रिसीव्ड इन अप्रैल, दो जगह रिसीव्ड इन अप्रैल है. अप्रैल 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 रिसीव्ड इन अप्रैल, दो जगह. तो भैया रिसीव्ड इन अप्रैल 96,000 प्लस रिसीव्ड 15,680 रुपए, दोनों को छोड़कर मैं लिख देता हूं रिसीव्ड इन अप्रैल का भैया 96,000 प्लस 15,680 111680 ये हो गया रिसीव्ड इन अप्रैल. हो गया समझ में आया कहां से देखते क्या मैंने. अब रिसीव्ड इन अप्रैल मिटाता हूं. ठीक, अब रिसीव्ड इन मई,
मई के महीने में कितना रिसीव हुआ बेचकर, बेचकर हमेशा डेटर से रिसीव होता है। डेटर मतलब जिसको मैंने उधारी माल बेचा है, जिसको बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। डेटर से कलेक्शन हुआ है। मई के महीने में क्या क्या मिला भैया? ये है रिसीव्ड इन मई और ये है रिसीव्ड इन मई। मई मई 104,000, दूसरा 22736। चलिए जोड़ लेते हैं, 104,000 22736, 104,000 प्लस 22736, 126736, 126736। जून का रिसीव्ड इन जून, ओ पहले मल्टीप्लाई वो तो कर दें, मिटा दें, ये मई मिटाए, ये मई मिटाए, हमको जून चाहिए। रिसीव्ड इन जून, रिसीव्ड इन जून 64,000 प्लस 17,248। वर्किंग नोट वर्किंग 1-2 से आपका सेल्स का सारा इंफॉर्मेशन का डिटेल खत्म। मिटा देते हैं, पहले आपने कॉपी कर ली थी। वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 दोनों ही बनाना जरूरी है एग्जाम में। जितना ज्यादा डिटेल में बताएंगे उतना टीचर खुश होगा, ना आपको मार्क्स देगा। टिक मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लगाया था मैंने। पॉज करके कॉपी कर लीजिए बेटा। तो थैंक यू।
वर्किंग नोट थ्री परचेजेस के ऊपर। चलिए भाई, परचेजेज में क्या है? परचेजेज वर्क पॉइंट नंबर थ्री में दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर थ्री में दिया हुआ है कि परचेज का जो अमाउंट है वो पेड होगा वन मंथ आफ्टर, एक महीने बाद। चलिए देखते हैं, फरवरी का जो 84,000 का परचेज है उसको पेमेंट करेंगे हम लोग, पेड ऑन कब पेड ऑन परचेज आर पेड वन मंथ आफ्टर, फरवरी के बाद है मार्च, 1,00,000 इसको पेड करेंगे अप्रैल में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल मई जून 1,04,000, 1,06,000 और 80,000, ये पेड ऑन में जून जुलाई एक महीने बाद, मतलब फरवरी में जो परचेज किया उसका पेमेंट करेंगे, मार्च में मार्च का पेमेंट करेंगे, अप्रैल में अप्रैल का पेमेंट करेंगे, मई में मई का पेमेंट करेंगे, जून में जून का पेमेंट करेंगे, जुलाई में, एक महीने बाद एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। वर्किंग नोट नंबर फोर, वर्किंग नोट फोर वेजेज के लिए फरवरी का वेजेज है 10,000, 10,000 वेजेज है। मैंने इसमें दो एरो बना दिया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25% एरियर पेड इन द फॉलोइंग मंथ, 25% एरियर पेड इन फॉलोइंग मंथ। पहले तो एरियर का मतलब बता दो, एरियर माने उधारी, 25% उधारी रहेगा वो हम अगले महीने पे करेंगे, तो अगर 25% उधारी रहेगा वो अगला महीना पे करेंगे, यानी 75% उधारी नहीं रहेगा। इट मीन्स वेजेज का 75% निकाला जाएगा, 10,000 का 75% होता है 7,500, वो पेड होगा उसी महीने, है ना, क्योंकि 25% उधारी रहेगा, ये रहा 25%, देखिए एरियर, ये 25% 10,000 का जो एरियर रहेगा वो पेड होगा अगले महीने, फॉलोइंग मंथ मतलब अगले महीने, पेड ऑन मार्च, गॉट इट। तो लिखा हुआ है एरियर 25% इन एरियर पेड इन द फॉलोइंग मंथ, तो जो एरियर होगा वो फॉलोइंग मंथ मतलब अगले महीने पेड होगा, तो यानी 75% एरियर नहीं होगा मतलब उसी महीने पूरा दे देंगे, काम हुआ 75% ले लो और 25% अगले महीने, काम हुआ वेजेस 75% अभी ले लो जिस महीने का उसी महीने और 25% अगले महीने ले लेना, गॉट इट। तो फरवरी का 75% उसी महीने और 25% अगले महीने मार्च, तो मार्च में भी वैसे ही होगा, अप्रैल में भी वैसे ही होगा, मई में भी वैसे ही होगा, जून में भी वैसे ही होगा। एक बार सबका अमाउंट लिख लो, 12,810,8, 12,008,000, 10,008,000, 12,810,8, 12,008,000, 10,008,000। इसको ही बंटवारा कर दो, 75% ऑफ 12,000 25% ऑफ 8,000, 25% ऑफ 8,000, 25% ऑफ 10,000, 25% ऑफ 10,000, 75% ऑफ 8,000, 25% ऑफ 8,000, 25% ऑफ 8,000, ये बटवा रखा। अब अंडरस्टूड है, पहले निकाल ले फिर पेड लिखेंगे, 75% 12,000 का 75% 9,000,
12,000 का 25% 3,000, तो 75% उसी महीने पेड हो जाएगा, पेड ऑन मार्च, और 25% पेड ऑन एक महीने बाद अप्रैल, फिर अप्रैल का देखिए मैं लाइन टान दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन में आपको दिक्कत नहीं हो, और 2500, एक बार अमाउंट निकाल लेते हैं फिर बताते हैं, अप्रैल का 75% अप्रैल में और 25% मई में, मई का 75% मई में और 25% जून में, जून का 75% जून में और 25% जुलाई में, गॉट इट। जैसा कि सेल्स में भी ऐसे ही हुआ था, देखे होंगे आप, कुछ ऐसा ही था, दो दो भाग में, जब दो दो भाग होगा तब उसका एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जैसे सेल्स का दो वर्किंग नोट बना था, वेजेस का भी एक और वर्किंग नोट बनेगा, उस वर्किंग नोट का नाम होगा पेड वेजेस, अप्रैल मई जून, कि हमको खाली इस सारा नहीं चाहिए, हमको इन सब में से खाली जो अप्रैल मई जून में आपने पेड किया वही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें से ढूंढ कर अप्रैल मई जून का लिख के बैठाइए, हम बताते हैं अप्रैल का कहां मिलेगा, पेड ऑन फेब, पेड ऑन मार्च, पेड ऑन मार्च, पेड ऑन अप्रैल, ये रहा पेड ऑन अप्रैल, ये रहा पेड ऑन अप्रैल, 3,000 पेड ऑन अप्रैल, 6,000 पेड ऑन अप्रैल, 9,000 पेड ऑन अप्रैल, अप्रैल का जो दोनों पेड है वो लिख दीजिए एक साथ, मई का जो दोनों पेड है लिख दीजिए एक साथ, 2,000, 7,500, 9,500, 9,500, और जून का पेड 2,500 + 6,000, 8,500, गॉट इट, 9,000, 9,500 और 8,500। तो जब भी ऐसा दो दो बंटवारा होगा, देखिए परचेज में दो बंटवारा नहीं हुआ तो मैंने अलग से परचेज का तो बनाया नहीं वर्किंग नोट, जब भी दो दो बंटवारा होगा तो दो दो महीना है, तो आपको सिर्फ जो महीना चाहिए वो महीने का उसमें से छांट कर लिख दीजिए, उसमें से निकालिए उस महीने का लिख दीजिए, एग्जाम में जो आपको महीने का बनाने बुलाया, तो पहले पूरा इन्फॉर्मेशन लिखिए फिर जो महीने का बनाने बुलाया उस महीने का लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 5। अब मिसलेनियस एक्सपेंस, जो अदर एक्सपेंस बोल के वर्किंग नोट में दिया हुआ है, अदर एक्सपेंस माने मिसलेनियस एक्सपेंस, मेरे को लगता है ये मिटाना ही पड़ेगा, आप लोग तो कॉपी कर लीजिए, लो कॉपी करिए तब तक मैं अदर मिसलेनियस एक्सपेंस का बना लेता हूं, अदर वर्किंग नोट नंबर 6, अदर एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस, फरवरी मार्च अप्रैल मई 7, 8, 6, 12, 7, 8, 6 और 12, 8, 7,000, 8,000, 6,000, 12,000, 6,000,
अब इसका लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फाइव में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट फाइव पढ़िए, लिखा हुआ है अदर एक्सपेंस आर पेड एट अ लैग ऑफ वन मंथ, एट अ लैग, लैग माने आफ्टर, लैग माने आफ्टर, तो लैग ऑफ वन मंथ माने आफ्टर वन मंथ, लैग ऑफ माने होता है आफ्टर, तो पेड लैग ऑफ वन मंथ माने एक महीने बाद पेड होगा, तो फरवरी का पेड होगा, फरवरी का पेड होगा पेड ऑन मार्च, मार्च का पेड होगा अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल का पेड होगा मई में, मई का पेड होगा जून में, जून का पेड होगा जुलाई में, पेड ऑन जून में, ऑन जून, ऑन परचेज जैसा था एक महीने बाद पेड, श्योर। अब सारा हो गया, ऊपर का इन्फॉर्मेशन हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारा हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिक्स जो दिया हुआ है सिक्स वो पढ़ेगा, इनकम टैक्स 25,000 ड्यू और ड्यू ऑन और बिफोर 30/6, यानी ये इनकम टैक्स जो है वो 30/6 तक का है, 30/6 के पहले का, 30/6 तक का इनकम टैक्स है ना, तो वो इनकम टैक्स पेड कब हो रहा है, वो ड्यू ऑन और बिफोर 30/6 हो रहा है, यानी छठे महीने में, यानी आप एज्यूम कर लीजिएगा कि छठे महीने में पेड हो गया, लिखा ड्यू ऑन और बिफोर 30/6, ऑन मतलब उसी दिन ड्यू हुआ है, तो कुछ नहीं बोला मैंने, उसी महीने पेड हो गया, तो जिस एक्सपेंडिचर कुछ बोलता नहीं है एज्यूम करिएगा उसी दिन पेड हो गया, इनकम टैक्स 25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 30/6 या उसके पहले ड्यू हुआ है, यानी 28, 27, 26, 30/6 को पेमेंट कर दीजिए, 30/6 मतलब छठे महीने, छठा महीना मैंने अप्रैल मई जून, जून महीने में, लास्ट वाले महीने में, जून महीने में पेड, तो इनकम टैक्स के बगैर में लिख लीजिए, क्वेश्चन में लिख लीजिए, इनकम टैक्स पेड ऑन 30/6 मतलब जून, ये पेड ऑन जून, उसका वर्किंग नोट बनाने का दरकार नहीं है, जब जून आएगा क्वेश्चन में फॉर्म में आएगा तो उसमें इनकम टैक्स पेड होगा जून महीने में कितना 25,000 रुपए, याद रखिए इनकम टैक्स पेड ऑन जून 25,000 जो लिखा हुआ है ड्यू ऑन और बिफोर 30/6 को ही ड्यू हुआ है, तो ऑन और बिफोर मतलब छठे महीने में ड्यू हुआ है, तो छठे महीने में ड्यू हुआ है तो छठे महीने में ही पेड हो जाएगा, गॉट इट, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, वर्किंग नोट हो गया, अब आपको कैश बजट बनाना है, कैश बजट कैसे बनेगा आप ये कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको कैश बजट सिखाऊंगा, हाउ टू ड्रॉ अ कैश बजट, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हमको सम बनाना है कैश बजट का, मिटा दे रहे को कैश बजट का फॉर्मेट आता है तो खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करके पूरा कैश बजट का फॉर्मेट खुद बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो इसका पार्ट टू देखेंगे, मतलब सेकंड क्लास का पार्ट टू, ये पार्ट वन खत्म हुआ, पार्ट टू वीडियो देखेगा, गॉट इट, कैश बजट का पार्ट टू का फॉर्मेट, फॉर्मेट का कैसे मैं फॉर्मूले बैठाता हूं, क्या बैठाता हूं, लेकिन आप ट्राई करिए ये वीडियो पूरा देखकर, आपको अगर कैश बजट का फॉर्मेट आता है तो ट्राई करिए, और तुरंत ही पार्ट टू आएगा, मैं सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा जिसमें मैं पार्ट टू में पूरा इसी सम्स का पूरा कैश बजट बना के दिखा दूंगा, इस वर्किंग नोट को कैश बजट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ओके, तब तक आप ट्राई करिए, अपने घर में आराम से इसको ट्राई करिए, कोशिश करिए कि कैश बजट बनता है कि नहीं बनता है, नहीं है अगर आपको नहीं आता है फॉर्मेट नहीं आता है तो तुरंत पार्ट टू वाला वीडियो देख लीजिए, गॉट इट, थैंक यू।